अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द ज़रअना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अय्युनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, उलाइका हुमुल गाफिलून। मोहतरम दीनी व इस्लामी भाइयों, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद सूरह आराफ की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिनों और इंसानों में से बहुत सारे लोगों को जहन्नम के लिए ही पैदा किया है, और ये ऐसे लोग हैं जो समझने, देखने, सुनने की सलाहियत तो रखते हैं लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ये लोग दर हकीकत चौपायों की तरह हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा गए गुजरे और गुमराह हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गफलत में रहने वाले हैं। मेरे भाइयों, आखिर जहन्नम क्या चीज़ है, कितनी भयानक है, कितना दर्दनाक और कितना इबरतनाक है, और कितने घाटे का सौदा है कि उससे बेखबर और गाफिल रहने वाले इंसानों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वो जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे और गुमराह हैं। आइए इसका अंदाज़ा खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस से लगाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, माली ला अरा मिकाईल दाहिकन कत, कि ऐ जिब्राईल, मुझे ये बताओ कि आखिर क्या वजह है, क्या बात है कि मैंने मिकाईल फरिश्ते को कभी हंसता हुआ नहीं पाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देते हुए फरमाया कि ऐ अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा ज़ाहिका मीकाईलु मुन्ज़ु खुलिक़तिन नार, कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरअसल बात यह है कि जिस दिन से जहन्नम बनाई गई है उस दिन से मीकाईल फरिश्ते ने हंसना छोड़ दिया। यानी आपके रब की बनाई हुई जहन्नम को देखकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई जहन्नम को जब से मीकाईल ने देखा है वो हंसना छोड़ दिया। मेरे भाई, ज़रा तसव्वुर कीजिए, जहन्नम कैसी चीज़ है, कितनी भयानक है, उसमें कितना दर्द और कितना गम भरा हुआ है कि एक फरिश्ता जिसके लिए जहन्नम को नहीं बनाया गया है, जिसका गुनाहों से, सज़ाओं से कोई लेना देना, कोई वास्ता है ही नहीं, उस फरिश्ते की हालत यह है कि जब से उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई जहन्नम को देख लिया है वो हंसना भूल गया। मगर अफसोस किया इंसान जिसके लिए जहन्नम को बनाया गया है, जो जहन्नम का ईंधन बनने वाला है, वो जहन्नम जो काफिरों, मुशरिकों, फासिकों, मुतकब्बिरों, जालिमों और बागियों को निगलने के लिए मुँह खोले खड़ी है। जिस इंसान के मुस्तकबिल में जहन्नम का इतना बड़ा ख़तरा मौजूद है, वह इंसान उसको भुलाकर दुनिया की लज्जत और राहत में, दुनिया के ऐशो आराम में मस्त और मगन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाजिबात और फ़राइज़ से कोता और गाफिल हो चुका है, मकसद ज़िंदगी को फरामोश करके ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ है, और बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ा जुर्म करके रोने और तौबा की बात तो दूर, पेशाने पे बल तक नहीं आते हैं, एहसास तक नहीं होता है। मेरे भाइयों, याद रखिए, जहन्नम से बड़ा कोई ख़तरा नहीं, जहन्नम से बड़ी कोई तकलीफ़ नहीं, जहन्नम से बड़ा कोई दर्द नहीं, जहन्नम से बड़ा कोई गम नहीं। इसीलिए इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जुस्तजू, सबसे बड़ी चाहत, सबसे बड़ी आरज़ू और सबसे बड़ी ख्वाहिश, और इंसानी अक़्लो शऊर, इंसानी अक़्लो होश और दानिशमंदी का सबसे सही और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिस चीज़ में होना चाहिए वो ये है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम से अपने आप को आज़ाद कर ले। सबसे बड़ी अक्लमंदी ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई जहन्नम से नजात हासिल कर ले। और मेरे भाइयों, जहन्नम से नजात हासिल करने की ये ख्वाहिश, ये तमन्ना इंसान के नफ्स के उन तमाम ख्वाहिशात को कुचल देती है, लगाम देती है, जिसको पूरा करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए इंसान सरकश हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए इंसान जालिम हो जाता है, बागी हो जाता है, जुल्म करता है, कातिल हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर हुदूद को पामाल करने लगता है। जहन्नम से नजात की ये ख्वाहिश इंसान के नफ्स की तमाम ख्वाहिशों और तमन्नाओं को कुचल देती है, बल्कि उसके बरखिलाफ इंसान के अंदर, मेरे भाइयों, नेकी का जज्बा पैदा होता है, नेकी का शौक़ पैदा होता है। जहन्नम से नजात पाने की जब उसके अंदर फिक्र होती है, उसके अंदर परवाह होती है, तो इंसान का दिल नेकियों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ मायल होता है, वो गुनाह से अपने आप को बचाता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौलाए करीम हमें जहन्नम और जहन्नम की तरफ ले जाने वाले जितने भी काम हैं से हमारी हिफाजत फरमा और उन कामों की तौफीक दे जिससे तेरी रज़ा और जन्नत हासिल होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।